तो अब हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले, दो थ्योरम पढ़ा रहा हूँ एक साथ, बस उसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी एन क्यू एक रैशनल नंबर है, ठीक है। पी एन क्यू, पी अपन क्यू के फॉर्म में क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। ये क्या है, रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। वेयर पी एन क्यू आर, पता ही है पी एन क्यू क्या होंगे, कोप्लानर, ठीक है। तो इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टर्स ढूंढेंगे ऑफ क्यू, ठीक है, सिर्फ क्यू का। पी का प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्यू का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब वेर क्यू का दो फॉर्म हो सकता है, तो क्यू का फॉर्म है, ठीक है, ये क्यू, वो दो फॉर्म में आ सकता है। एक पहला फॉर्म है 2^n और 5^m के फॉर्म, 2^n इंटू 5^m के फॉर्म में आ सकता और नॉट इन फॉर्म। कौन से फॉर्म में नहीं आ सकता, 2^n और 5^m के फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। दो कंडीशन, पी अपॉन क्यू अगर रैशनल नंबर है, अगर हम लोग क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसका दो फॉर्म हो सकता है, या तो वो 2^n इंटू 5^m के फॉर्म में आ सकता है, और या तो 2^n और 5^m के फॉर्म में नहीं आ सकता। तो अगर क्यू इस फॉर्म में आ गया, अगर 2^n और 5^m के फॉर्म में आ गया, तो ये जो नंबर होगा ना, वो नंबर बनेगा टर्मिनेटिंग। क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो क्या बनेगा, बोलो। याद है ना, रैशनल नंबर के सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग नहीं बोलेंगे, रिपीटिंग। ये रैशनल नंबर के दो ही फॉर्म होते हैं, डेसिमल फॉर्म, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसके होते हैं, इरेशनल नंबर के। यहाँ पे सिर्फ हम लोग रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, आगे हमारे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन रहे, उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिना कैलकुलेशन, बिना डिवीजन किए आप लोग को बस बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो सिंपल सी बात है, तो कैसे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन उसे करेंगे। अगर इस फॉर्म में आ रहा है 2^n इंटू 5^m के फॉर्म में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर 2^n और 5^m के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है, क्या वेर n एंड m आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। जो n और m है ना, ये जो पावर है ना, वो नॉन नेगेटिव है। तो पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसे बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, बोलो, नॉन नेगेटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, होल नंबर। मैंने बताया था ना, होल नंबर क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होते हैं ना, 0, 1, 2, 3 आया, और -1, 2, 3 -1, -2, -3 ये सब नेगेटिव आएंगे। तो नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो ये प्लस वाले तो नेगेटिव है ही नहीं, और जीरो का तो कोई साइन ही नहीं होता। तो मतलब ये 2 या m का पावर 0 भी हो सकता है, समझाया। तो 2 का पावर 0 या 5 का पावर 0, मतलब वो नंबर
हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैं 2:0 लूँ तो आंसर क्या आएगा 1, और 5:0 लूँगा तो आंसर क्या आएगा 1। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे 2 ना लिखा हो, वहाँ पे 5 ना लिखा हो, ठीक। तो बस यही याद रखना है। वापस बोलेंगे कैसे पता चलेगा कि हमारा वो नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर वो कौन से फॉर्म में आ रहा है 2:n और 5:m के, तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। अगर 2:n और 5:m के फॉर्म में नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर में सिर्फ दो ही फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो अभी थ्योरम पढ़े थे हम लोग ने, तो वो थ्योरम के हिसाब से वही बोला कि आपको लॉन्ग डिवीजन एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करना, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करते हुए आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, मतलब ये जितने भी नंबर है यहाँ पे सबके सब रैशनल नंबर ही है, विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बताना है इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो वापस क्या बोला था, अगर 2:n और 5:m के फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। आया ना, किसके बारे में, क्यू के बारे में, क्यू, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन 2:n और 5:m के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। समझाया नहीं, वापस, अगर हमारा डिनोमिनेटर 2:n और 5:m के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 13/3125, डिवीजन नहीं करना है, तो यानी सबसे पहले क्या करना है, क्यू का मतलब ये जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो करते हैं यहाँ पे 3125, कौन से टेबल में जाएगा, 5 के, 5 6 जा 30, 31 में 30 का कितना बच गया 1, तो ये क्या बन जाएगा 12 आता है क्या 5 के टेबल में, नहीं आता, तो कम नंबर लेंगे, 5 2 जा 10, कितना बच गया, 12 में 10 गया तो 2, 25 आ गया, 5 जा 25, वापस 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया क्या बच गया 1, 12 हो गया, 5 2 जा 10, 12 में 10 गया कितना बच गया 2 बच गया, तो 25 हो गया, 5 जा 25, वापस 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो क्या लेंगे, दो नंबर, 5 2 जा 10, 12 में 10 गया तो कितना आया 2 बच गया, 25 हो गया, 5 जा 25, 25 कौन से टेबल में जाएगा, 5 में, 5 जा 5 1 जा। तो 13 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या दिख रहा है, 5:5, तो क्या लिखा, अच्छा सॉरी 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आया, 5:5, और यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा, 13/5:5। तो क्या बोला था यहाँ पे कि अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेट, तो इस फॉर्म में है क्या बोलो, ये जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है क्या, है क्या बोलो, नहीं है ना, देखो 2 नहीं है ना यहाँ पे, तो नहीं हो सकता ना, ये टर्मिनेटिंग है, क्यों है, एक और रीजन था, क्या रीजन था, कि जो m और n है ना उसका पावर क्या हो सकता है, मतलब ये जो m और n है वो क्या हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी हो सकते हैं ना, तो मतलब ऐसा होगा ना यहाँ पे 2, यहाँ अगर मैं लिखूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 13/2:0 इंटू 5:5, आया ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो देखो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, आया ना, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, q या तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म
is of the form, yeah, is in the form 2 raised to n into 5 raised to m, therefore it is a terminating, it is a terminating number, ठीक है। अब 5 वाला करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ही मैंने लिया, बाकी क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, देखो 29/343। वापस कैसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ डिनोमेटर देखना है। तो 343 का करते हैं हम लोग, 343 दिख रहा है, ये 7 का ही क्यूब है, आया ना। तो 7 के टेबल में जाएगा, बोलो 7, क्या लूँ, 7 4 20 8, आया ना, कितना बच गया 6, आया ना। तो 63, तो 7 के टेबल 63 का हुआ था 9 जा और 7 7 7 1। तो आंसर क्या आया, 29/7 का क्यूब। तो क्या इस फॉर्म में दिख रहा है, आया ना। तो यानी इस फॉर्म का ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब 2 raise to 0 हो और 5 raise to 0 हो, 7 raise to 3 हो तो चलेगा, नहीं। सिर्फ ये ही दो नंबर होना चाहिए, इसके सिवा और कोई नंबर आया ना तो हम लोग उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही बोलेंगे। सिर्फ ये ही दो फॉर्म में आना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर मिलना चाहिए और कुछ भी नहीं। उसके सिवा एक और कोई भी नंबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बताओ इस फॉर्म में है क्या, 2 raise to n इंटू 5 raise to m के फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, q is not in the form of क्या, 2 raise to n इंटू 5 raise to m, therefore it is क्या बोलेंगे, it is non-terminating and repeating number, ठीक है। It is terminating number, it is non-terminating repeating number, ठीक है। तो अभी next question है हमारा वही same, तो अभी यहाँ दिख रहा ना वो form, आया ना, direct form में दिख रहा है, 2 और 5 के form में है ही, आया ना। पावर वही कुछ भी हो सकता है वो, तो 2 और 5 के सिवा और कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो उस फॉर्म में है, है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raise to n इंटू 5 raise to m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। बस सिंपल है ना, ये तो सिंपल था कि नहीं, उस फॉर्म में है 2 raise to n और 5 raise to m के फॉर्म में है, बस यही देख के अपने को बताना। अच्छा, 2 और 5 को छोड़ के और कोई नंबर आ गया तो वो क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, 129/2 raise to 2 इंटू 5 raise to 7 इंटू 7 raise to 5। तो अब बोलो क्या इस फॉर्म में है, 2 raise to n और 5 raise to m के फॉर्म में, नहीं है ना। क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे एक्स्ट्रा, 7 हो गया एक्स्ट्रा। तो इस फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, q इज नॉट इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ 2 raise to n इंटू 5 raise to m, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। कितना सिंपल सा है कि नहीं, एकदम सिंधी वाला क्वेश्चन है, आया ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, 8 वाला। क्या लिखा है, 6/15। तो वापस क्या करना है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 15, बोलो 15, 3 5 15, 5 1 जा, आया ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, इसका डिनोमेटर 6/3 × 5। तो बोलो क्या ये इसके फॉर्म में है क्या, क्या इसको मैं टर्मिनेटिंग बोलूँगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलूँगा, बोलो, बोलो इसको टर्मिनेटिंग बोलूँगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलूँगा,
बोलो। देखो अब एक और बात बताता हूँ, ठीक है? वो क्या बात है कि अगर आपके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट रहा है तो उसे काट दो। अगर आप लोग ने ये सारे क्वेश्चन में नोटिस किया होगा तो उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर नहीं कट रहा है। देखो यहाँ पे भी नहीं कट रहा है, ना ही यहाँ पे भी कट रहा है, ना ही इससे पहले वाले कोई क्वेश्चन में कट रहा था, ठीक है? यहाँ कट रहा है, देखो 3 1 3, 3 2 तो क्या बच गया, 2/5 आया ना। तो क्या मैं इसको वो फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, 2/2 0 और 5/1। तो यहाँ तो 5 है तो इस फॉर्म में आ गया क्या? हाँ, क्योंकि 0 तो हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2^n इंटू 5^m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। समझाया नहीं? तो ये चीज आपको याद रखनी थी, अगर कैंसल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो कैंसिल करने के बाद चेक करो, ठीक है? तो चेक किया, देखो 3 था पहले, ऐसा 3 और 5 15 हो रहा था, तब वो क्या बन रहा था, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, लेकिन कैंसिल तो हुआ ना, तो 3 कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया, 5। तो ये भी याद था कि ये जो एम एम और एन है, मतलब ये जो पावर है वो 0 भी हो सकता है। तो वहाँ 2 नहीं है तो क्या ले लिया हम लोग ने, 2^0। इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो बाकी के क्वेश्चन आपको करना है, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, ठीक है? और मुझे बताना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्या करना था, बताना था कि कौन से जो नंबर्स है यहाँ पे वो रैशनल नंबर दिए हुए थे, उसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग था और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या बोला है, बस क्या लिखना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, पॉइंट में बताना उसका आंसर, वो रैशनल नंबर का इन क्वेश्चन नंबर 1 अबो विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका टर्मिनेटिंग था ना, बस उन लोग का डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिख के बताना है, ठीक है? तो उसमें से जितने नंबर टर्मिनेटिंग थी, देखो मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख लिया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से ही बताना है डेसिमल एक्सपेंशन में, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 13/3125। तो हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन में डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, मतलब पॉइंट में वो नंबर लिख के बताना है, ठीक है? तो इसको एक्चुअल में डिवीजन नहीं करना है, एकदम सिंपल सा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग ने इसका फैक्टर्स ढूंढा था, हाँ ना, 3125 जो डिनोमीटर था उसका फैक्टर ढूंढे थे हम लोग ने। वापस एक और बार कर लेते हैं, कैसे करते हैं, देखो 3125 कौन से टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में, 5 6 30, 31 में 30 का कितना बच जाएगा, 1 1, यहाँ पे आके क्या बन गया, 12। तो 12 का 12 तो नहीं आता, लेकिन कम नंबर आता है 5 के टेबल में, 5 2 10, 12 में 10 का कितना आएगा, 2, ये क्या बन गया, 25। तो 25 कब आता है, 5 5 वापस 5 के टेबल जाएगा, तो 5 1 5। अब 6 में 5 का कितना बच गया, 1, कितना नंबर बन गया, 12। तो वापस 12 नहीं जाता, कम नंबर लेंगे, 5 2 10, 12 में 2 का कितना बच गया, 2, ये क्या बन गया, 25। 25 कब आता है, 5 5। वापस 5 के टेबल में, 5 2 10, 2 बच गया, 5 5 25। वापस 5 के टेबल में, 5 5 5 1। तो मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 5 आया ना, 5 नंबर है। तो अगर मैं बोलूं, अगर देखो सपोज, अगर मैं बोलूं कि अगर सपोज 4/10 है, इसको मैं 0.4 लिख सकता हूँ, आया ना, अगर 5/10 है इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, हम लोग 0 देखते हैं उतने नंबर बाद पॉइंट लगा लेते हैं, आया ना। अभी सपोज ऐसा लिख रहा हूँ 24/1000,
तो कितने नंबर बाद पॉइंट आएगा बोलो, तीन नंबर बाद। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.024। देखो तीन नंबर बाद पॉइंट आ गया। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो है तो अपने को पता ही है बस उतने नंबर बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेन है वो बनता कैसे, मतलब ये एक जीरो बनता कैसे, एक जीरो कैसे बनता है, टू इंटू फाइव से। मतलब टू अगर टेन का फैक्टर देखो तो क्या होता है, टू और फाइव। अगर टू और फाइव अवेलेबल है तो वो क्या बन जाएगा, एक जीरो। अगर एक बार है तो, अगर दो बार लिखा है तो दो जीरो आएगा। मतलब दो बार टू है और दो बार फाइव है तो क्या बन जाएगा, हंड्रेड ही है। ऐसे ही थ्री टाइम्स है तो क्या होगा, तीन जीरो होंगे। तो ऐसे ही अपने को कुछ नहीं कैलकुलेशन, ऐसा डिवीजन नहीं करना है, बस नीचे जीरो लाना है बस। तो यहाँ लिखा क्या है, फाइव रेस टू फाइव, तो उतना ही टू रेस टू फाइव, मतलब टू रेस टू फाइव भी होना चाहिए ना, टू नंबर भी उतना ही होना चाहिए ना जितना पावर फाइव का है, जिससे जीरो सेम मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टू रेस टू फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ठीक है, जिससे क्या होगा, पाँच जीरो मिल गया। देखो अभी फाइव फाइव टाइम्स था और टू को भी मैंने फाइव टाइम्स ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पाँच जीरो सेम हो जाएंगे। तो अगर मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने बताया जीरो आया तो अपने को बस उतने नंबर पर पॉइंट लगाना होता है ना, और जीरो लाने के लिए मुझे क्या चाहिए, टू और फाइव दोनों चाहिए। तो फाइव तो था ही यहाँ पे, किसकी कमी थी, टू की, तो टू लिख दिया मैंने। अब टू रेस टू फाइव का आंसर पता है आप लोग को, टू रेस टू फाइव क्या होता है, 32। और नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे क्या करना है, बस उतने नंबर बाद पॉइंट लगाना है। मतलब कितने यहाँ पे जीरो आएंगे, पाँच जीरो आएंगे, क्योंकि टू भी फाइव टाइम्स है और फाइव भी फाइव टाइम्स है, तो कितने आएंगे, पाँच जीरो। मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, उसे काट देते हैं, ठीक है, कितना आए, पाँच जीरो, दिख रहे। अब बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लो, बोलो 13 का टेबल आता है, 13 टू सा कितना होगा, 13 टू सा कितना होता है, 26, टू कैरी, 13 थ्री सा कितना होगा, 39, 39 प्लस 2, 41 अपॉन कितना है नीचे, जीरो, पाँच, एक दो तीन चार पाँच। तो कितने नंबर बाद पॉइंट आना चाहिए, पाँच नंबर बाद पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ पे तो तीन ही नंबर है लेकिन मुझे पाँच नंबर बाद पॉइंट लगाना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 416, जो ये 416 है इसके आगे तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो हम लोग कितना भी जीरो ले सकते हैं, कितने भी, जितनी मर्जी चाहे, है ना, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, 416 ही रहेगा ना, है ना। तो अपने को कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है, पाँच नंबर। तो हम लोग पीछे से पाँच नंबर काउंट करेंगे, ये तीन नंबर हो गए, ये दो नंबर, मतलब पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए बोलो, यहाँ से आएगा 0., दो बार जीरो और 416। देखा, ये बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो वही लिखा था ना, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर था ही, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 2^n इंटू 5^n के फॉर्म में था। अब उसका क्या करना था, अपने को डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था, तो डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग को एक्चुअल डिविजन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जीरो बनाना है नीचे। और जीरो कैसे बनता है, टू और फाइव के सेम कलेक्शन पे, ठीक है। तो फाइव रेस टू फाइव था तो हम लोग ने क्या कर दिया, टू रेस टू फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, सेम पावर वाले। तो नीचे किया तो ऊपर भी किया, अब उसका आंसर लिखा, उसको सॉल्व किया और नीचे क्या बन गया, देखो कितना था, फाइव रेस टू फाइव और टू रेस टू फाइव था, मतलब नीचे जीरो कितने आएंगे, फाइव आएंगे, ठीक है। तो पाँच नंबर बाद पॉइंट लगा दिया, बस इतना सा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो अभी क्वेश्चन नंबर टू करता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा है, 17/8, तो ये तो सिंपल सा है, 17, 8 क्या होगा, 2^3, है ना। तो यहाँ पे नीचे जीरो है क्या, नहीं है, तो जीरो बन सकता है क्या, बन सकता है। मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कितना, एक ही फाइव मल्टीप्लाई करूँगा क्या, बोलो बोलो, एक ही फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा क्या, नहीं, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम पावर होना चाहिए। तो 2^3 है, तो 5^2 कितना होना चाहिए, 3। अब नीचे हुआ तो ऊपर भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 17 इंटू 5^3, 5 का क्यूब पता है क्या किसी को, बोलो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, वेरी गुड, याद है। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना अपने को, कितना पावर है, 3, तो मतलब कितने जीरो आएंगे, 3, ठीक है। तो
तो अब मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 17 का टेबल आता है क्या, तो मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो 17 फाइजा, पीछे से मल्टीप्लाई होता है ना, तो 17 फाइजा कितना होता है बोलो, 17 फाइजा 85, 8 कैरी, 72 जा 34, 34 प्लस 8 42, 4 कैरी, 17 वन जा 17, 17 प्लस 4 21, वेरी गुड। अपॉन क्या लिखा बोलो, 1000, मतलब कितने नंबर बाद पॉइंट बोलो, जितने जीरो उतने नंबर बाद पॉइंट। वापस बोलेंगे, जितने जीरो उतने नंबर बाद पॉइंट। वापस एक और बार बोलेंगे, जितने जीरो उतने नंबर बाद पॉइंट। तो यहाँ कितने जीरो दिख रहे हैं, तीन, तो कितने नंबर बाद पॉइंट आएंगे, तीन। आगे से लेंगे या पीछे से लेंगे बोलो, आगे से तीन नंबर काउंट करना है या पीछे से काउंट करना है, पीछे से काउंट करना। तो पीछे से तीन नंबर कितना हो गया देखो, 1 2 3, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा ना, तो आंसर क्या आएगा, 2.125। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग करोगे, 6 में भी आप लोग कर सकते हो। देखो 2:2 क्या लिखा है, 3 लिखा है, 5:2 क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यहाँ पे सेम पावर होना चाहिए ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है, 2, तो 5 का बस कितना कमी है, 1 5 की, तो नीचे 1 5 से और ऊपर 1 5 से मल्टीप्लाई करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं इसे। तो 8 वाला लिख लेता हूँ, क्या लिखा था, 6/15। तो सबसे पहले इसमें बताना था ना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, और मैंने टर्मिनेटिंग ही लिखा था, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने किया था, कैसे किया था, अगर डिवाइड होता है तो काटना भी होता है। तो अगर देखो, पहले अगर मैं देखो 15 का, तो क्या हो रहा है, 3 × 5, तो ये 2 × 5 के टर्म में नहीं आ रहा, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं दिख रहा है। लेकिन टर्मिनेटिंग कैसे डिसाइड करना था अपने को, काटने के बाद, नंबर काटने के बाद। तो देखो दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, तो काट दो, 3 2 जा 3 5 जा, आ गया क्या, 2/5 है ना। अब ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2:0 हो सकता है और 5:0 कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो पावर है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ 5 है लेकिन एक ही है, तो वापस मैं बोला 10 के लिए क्या चाहिए, सेम नंबर किसका चाहिए, 2 का भी। तो यहाँ पे 5:1 है, तो बस 2:1 का मल्टीप्लाई, मतलब 1 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, नीचे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, एक ही है ना, आया ना, एक ही है ना, तो 1 0 आएगा, तो कितने नंबर बाद पॉइंट, 1 नंबर बाद, तो आंसर क्या आया, 0.4। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को बाकी क्वेश्चन करना है।